मैं सुखदेव धोटे, इंचार्ज प्रिंसिपल। कौन से स्कूल के? शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मालेगढ़। बच्चे लोग इतना जो कर रहे हैं हंगामा, किस वजह से कर रहे हैं? अभी हाल ही में क्या हुआ है कि ट्रांसफ़र हुई है, तो हमारी संस्था से 2 शिक्षकों का ट्रांसफ़र हुई है। कौन से सर? एक है श्री यशवंतराव देशमुख और एक सहदेव लोखंडे। बच्चे क्या चाह रहे हैं? बच्चों की डिमांड तो आज देखने से ऐसा लग रहा है कि वो शायद टीचरों को यहाँ से जाने से रोक रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं? हम तो तटस्थ है ना, अब वो बच्चों और पालकों का मैटर है, अपन क्या कर सकते हैं। अपन तो वरिष्ठ कार्यालय के जो आदेश है उसी का पालन करेंगे। क्योंकि बच्चों ने आपको अवगत तो कराया होगा कि हमारे शिक्षकों का ट्रांसफर होगा? नहीं, अवगत नहीं कराया उन्होंने। अचानक आज 10:30 बजे यहाँ आकर के तालाबंदी कर दी। तालाबंद कर दिया तो मतलब जैसे बच्चों की मानसिकता ऐसी है कि उनके गणित के और विज्ञान के टीचर का ट्रांसफर होगा। हाँ, रुकना चाहिए। तो आप क्या चाहते हैं, बच्चों के साथ हो या? अब तो हम तो बच्चों के हित में सोचेंगे। अगर आप बच्चों के हित के लिए सोचोगे तो फिर स्कूल खुलेगा ही नहीं। अगर जब तक टीचर नहीं आएंगे तो आप क्या कहना चाहेंगे? टीचर आना चाहिए, वैसे यदि जा रहे हैं तो आना भी चाहिए, बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो आप क्या प्रयास करोगे? हम प्रयास क्या, जैसा आज जो हो रहा है बच्चों के द्वारा किया जा रहा है, इसकी सूचना वरिष्ठ कार्यालयों को दे दी जाएगी। सर, देखा जाता है जैसा भी स्कूल सत्र प्रारंभ होने को लगभग 3 माह से भी अधिक समय बीत गया है और यहाँ पर 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं, जिनमें 2 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाएं भी होनी है, अगर इसी तरह बच्चे लामबंद होते रहे और स्कूल में तालाबंदी करते रहे तो निश्चित इनके परीक्षा परिणाम पर कोई असर नहीं पड़ेगा इसका? परीक्षा परिणाम पर तो असर निश्चित पड़ना ही है, लेकिन उसमें हम क्या कर सकते हैं। वो जिला कार्यालय से, वरिष्ठ कार्यालय से सारी प्रोसेस होती है, क्योंकि स्थानांतरण अभी हुई है, अब उन आदेशों का पालन तो करना पड़ेगा। सर, जब स्थानांतरण हुए थे तो उच्च अधिकारी को आपने अवगत भी करवाया था पालकों को लेकर कि यहाँ पे टीचर नहीं है, स्टाफ की कमी होने वाली है? नहीं, वो सारी जानकारी जाते रहती है अक्सर, है ना, कितने स्वीकृत पद है, कितने कार्यरत है, कितने रिक्त है। और अभी ट्रांसफर होने के पहले भी जानकारी मंगाई गई थी जिला कार्यालय से, वो हमने प्रेषित कर दी थी, उनको सब बातों की जानकारी है। रेडी बोलना भैया, और उधर देखना कैमरे कर में, तब मत देखना। रेडी है? ओके, रेडी। बताइए, आपका नाम क्या? मैं माती हिशवंतराव देशमुख। मेरे यहाँ पे 2 बच्चे पढ़ते हैं, बच्ची 9th में है और बच्चा 11th में है। बड़ी कोशिशों के बाद हमने बच्चे को कहा कि बायो सब्जेक्ट ले, वैसे वो अदर ले रहा था, लेकिन अब यहाँ पे पता चला कि अतिथि भी उस लायक नहीं निकले और जो टीचर है बेस पुराने, उनको भी गाँव के दोगले नेताओं ने ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर नीति तो उनकी अब जगह आई है, 18 सालों से इन्होंने क्यों कुछ नहीं उखाड़ा किसी का। और अब जब मौका मिला है तो बच्चों का भी शोषण किया है, स्कूल का भी शोषण किया है, और खास करके हमको गांव की जो दोगली राजनीति है, हम सभी पालकों को उनसे शिकायत कि सरकार की जो नीतियां है वो सभी के लिए एक समान रहती है। अब ये लोग सोचेंगे कि हम हमारी आपसी दुश्मनी निकाल के और शिक्षकों को ही मौका यानी वो बनाए टारगेट, तो ये बात सही नहीं। और उन लोगों का ये भी कहना है कि भाई हमारे बच्चे नहीं पढ़ते, हमको क्या करना पड़ता है। इस प्रकार के बच्चों ने जो ये आंदोलन किया, ये जांच किया है कि इनकी मांगे पूरी होना चाहिए, सही है, क्योंकि अभी तक की इनके सपोर्ट में कोई भी नहीं आया है, ना गांव से कोई पालक निकल के आ रहा है। अब देखिए कि रिजल्ट किस प्रकार से बन रहा है, पिछले 3 सालों से यहाँ पे रिजल्ट बिगड़ रहा है, लेकिन एक भी पालक नहीं आया है बच्चों को ये रिजल्ट देखने के लिए, ना और कोई गतिविधियाँ देखने के लिए, बस जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। अभी तक के 100% देने की कोशिश की है सभी टीचरों ने, लेकिन फिर भी गांव की दोगली राजनीति हमको पसंद नहीं है, हमें सबसे शिकायत। तहसील विकासखंड के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मालेगांव का मामला सामने आया, जहां पर स्कूली छात्र छात्राओं ने स्कूल में ताला लगा दिया है और बच्चों की मांग है कि वहां पर जो शिक्षक थे उनका ट्रांसफ़र कर दिया, जिसके कारण की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। हाँ, मुझे भी संज्ञान में आया है, वहाँ के प्रभारी प्राचार्य ने फ़ोन किया था कि सर ऐसी स्थिति है, बच्चे थोड़ा सा असंतुष्ट हैं। तो हमने कहा बच्चों को संतुष्ट करिए, टीचर की व्यवस्था की जाएगी और प्रतिवेदन बना के सहायक कार्यालय उच्च मतलब बैतूल को आप पत्र बना दें, प्रतिवेदन जानकारी भेज दें और 2-3 घंटे के बाद बच्चों को समझाइश देकर पढ़ाई शुरू कराएं। शिक्षक की व्यवस्था तो की जाएगी। 2 का ट्रांसफ़र हो गया है, शिक्षक आ जाएंगे, नहीं आएंगे तो अति शिक्षक ऐड निकाल के अच्छी भर्ती करवाएंगे। सर, कितने शिक्षक पदस्थ हैं वहाँ पर और अभी कितने? ये तो जानकारी मुझे नहीं मिली, क्योंकि प्राचार्य संस्था अलग है हमसे, और वहाँ से ली जा सकती है पूछ करके। वैसे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 8 व्याख्याता, 1 प्राचार्य, 8 ही ड्यूटी के पद रहते हैं, लैब असिस्टेंट के भी 2 पद रहते हैं, लेकिन वहाँ पर्याप्त हैं। वो 2 मास्टरों के ट्रांसफ़र होने से शायद ये बनी है स्थिति, तो 2 की भर्ती करा दिया जाएगा, मांग करेंगे बैतूल से।